नमस्कार, वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। आपके साथ मैं हूं अंशु, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़। धरमजयगढ़ वन मंडल में भालू के हमले से एक युवक के घायल होने की घटना सामने आई है। वहीं घटना के बाद घायल युवक का इलाज धरमजयगढ़ के परिसर में बनाए गए अस्थायी अस्पताल में चल रहा है। इस घटना में घायल युवक सुखदेव राठिया, उम्र 25 वर्ष, जमरगी डी के आश्वती ग्राम रजीदा ने बताया कि वह आज भोर में तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल की तरफ गया था और तेंदुपत्ता तोड़ रहा था कि पीछे से अचानक भालू की हरकत सुनने के बाद पलट कर देखा तो तीन भालू उसके पास ही पहुंच चुके थे। ऐसे में तुरंत सुखदेव पेड़ पर लपक कर चढ़ने लगा तो एक भालू ने उसे पंजा मारा जिससे उसके दाएं पैर के घुटने में चोट आई। थोड़ा बताइएगा, आज सवेरे तेंदुपत्ता भी का सीजन है तो वहाँ कफड़ चालू है, तो आज तेंदुपत्ता तोड़ने गया था सुबह 7 बजे। तो तेंदुपत्ता तोड़ते समय अचानक से भालू से उसका मुठभेड़ हो गया और बचने की कोशिश में वो पेड़ में चढ़ने लगा तो भालू उसको खींच के गिरा दिया और फिर बाकी ग्रामीण लोग देखे और फिर उसको भगाए और इधर हमको तत्काल सूचना मिला और हम लोग उसको फिर सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाए और अभी उसका इलाज करा रहे हैं और उसका तत्कालिक सहायता के लिए 500 रुपये दिया गया है। और जिसके बाद आसपास तेंदुपत्ता तोड़ रहे ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचकर भालुओं को वहां से भगाए। वहीं धरमजयगढ़ के परिसर में बनाए गए अस्थायी अस्पताल में घायल युवक का उपचार चल रहा है। घटना के बारे में वन रक्षक ने बताया कि घटना की सूचना के बाद तत्काल घायल युवक को धरमजयगढ़ इलाज के लिए ले जाया गया और तत्कालिक सहायता राशि के रूप में 5,000 रुपए उनके परिजनों को इलाज के लिए दिए गए। धरमजयगढ़ से गुरुचरण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। डाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार।